आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा एक शानदार एवं जानदार पेश किया गया। इस बजट के बाद जहां विपक्ष के साथी दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर थे, वहीं पूरे राजस्थान की जनता में एक खुशियों का माहौल था। यह पहली बार देखा गया सभापति महोदय कि बजट आने के बाद राजस्थान का युवा, राजस्थान के युवा कर्मचारी होली और दिवाली एक साथ बनाई। वो सड़कों पर आकर रंग गुलाल खेलते हुए, पटाखे बजाते हुए, डीजे पे नाचते हुए, जय जयकार के नारे लगा रहे थे, जन नायक के नारे लगा रहे थे कि ऐसा मुख्यमंत्री न राजस्थान में कभी आया, न कभी देश में आया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह दिखा दिया कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए, राजस्थान की 36 बिरादरी के लिए, राजस्थान के हर वर्ग के लिए, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कृषक हो, इस बजट में सभी वर्गों के लिए उन्होंने ऐसे कार्य किए जिसे आज पूरा राजस्थान का युवा, राजस्थान का प्रत्येक वर्ग का नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि हमने जो 2018 के अंदर जो मतदान किया वो सही व्यक्ति के लिए किया, क्योंकि हम राजस्थान के गांधी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को बनाकर कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनाई थी, आज उसका उनको हक मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में किस किस क्षेत्र की बात करें, इस बजट के बारे में बताना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा। अगर हम पूरे बजट की बात करें तो शायद कई दिन लग सकते हैं, लेकिन चूंकि समय का अभाव है, मैं मुख्य बिंदु इसके ऊपर अपनी बात रखना चाहता हूं। आज जो कर्मचारी वर्ग, जो राजस्थान में लाखों कर्मचारी हैं, 2000 के बाद हमारे युवा भाई बहन कर्मचारी थे, उनके निराशा की जो पहले निराशा थी कि हमारा बुढ़ापे में क्या होगा, हमारी भाजपा सरकार ने जो ये पुरानी पेंशन बंद कर दी, हमारे बुढ़ापे में किस तरह से हमारा गुजारा चलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनके दुख दर्द को समझते हुए जो पूरे पुरानी पेंशन को बहाल किया, ये राजस्थान ही नहीं पूरे देश में उदाहरण बना। और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी कहा जो भाजपा ने गलती की थी वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने सुधारी है, और आज ये पूरे देश में ये मांग मुखर रूप से उठने लगी है। इसके साथ ही सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने गरीबों का, आमजन का, मध्यम क्लास का दर्द समझते हुए अपने हर कार्यकाल में, चाहे वो निःशुल्क मुख्यमंत्री चिरंजीवी दवा योजना हो, निःशुल्क जांच योजना हो, हर बार उन्होंने ऐसा काम किया, क्योंकि आज किसी के घर में कोई भी बीमारी आ जाती है तो वो चाहे मध्यम क्लास का हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, वो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होता है। उनके दर्द को समझते हुए मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला किया कि राजस्थान के प्रत्येक राजकीय चिकित्सालय में निःशुल्क OPD और IPD होगी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी योजना चलाई गई थी उसका दायरा भी बढ़ाते हुए 5 लाख से 10 लाख रुपये करने का काम किया, और इसके साथ ही इनकोगुलर प्लांट, बोन मैरो, ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को शामिल करते हुए आज पूरे राजस्थान की जनता को राहत देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कोरोना काल में हमने देखा कि नरेगा एक सहारा थी, ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व्यक्ति जीवन यापन कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने उसका दायरा बढ़ाते हुए 100 दिन के साथ साथ 125 दिन किया, जिसका लगभग राज्य सरकार पर 750 करोड़ रुपए का भार आएगा। और इसके साथ ही उन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी 100 दिवसीय के लिए शुरू की, जिसके तहत भी 800 करोड़ रुपये राज्य सरकार बाहर आएगा, लेकिन उन्होंने पंक्ति के अंतिम छोर के व्यक्ति को, कमजोर और गरीब व्यक्ति को राहत देने का एक सराहनीय कार्य किया है। इसके साथ ही बिजली में जो आज गरीब आदमी पे भारी भरकम बोझ पड़ता था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शानदार पहल करते हुए 100 यूनिट तक 50 यूनिट जो बिजली को मुफ्त करने का काम किया, 100 से 150 यूनिट तक 3 रुपये अनुदान, 150 से 300 रुपये तक 2 रुपये अनुदान देकर उन्होंने गरीब और मध्यम परिवार को एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में तो जब से सरकार बनी है लगातार नवाचार करते आ रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। हमें गर्व है मुख्यमंत्री जी पर कि उन्होंने एक से शानदार व्यवस्था की कि आज हमारे राजस्थान के युवा साथियों का राजकीय शिक्षा की तरफ, उनका विद्यालयों की तरफ उनके उजान बढ़ा है और लगभग 10 लाख से ज़्यादा नामांकन पड़े हैं। गरीब परिवार का बच्चे का सपना
सपना था कि वो भी क्या अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने पहले 1250 विद्यालयों के खोलने की घोषणा की और इस बजट में शहर और ग्रामीण क्षेत्र में 1000 राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय खोलकर गरीब बच्चे के सपने को साकार होने का जो काम किया उसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने समानता से देखते हुए 200 विधानसभा क्षेत्रों में 3820 स्कूल 10वीं से 12वीं करने का जो साहसिक कार्य किया उसके लिए भी हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कभी पक्ष और विपक्ष नहीं देखा। वो 8 करोड़ जनता को समानता की भावना से देखते हुए, 200 विधायकों को एक समान देखते हुए उन्होंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में समानता के साथ कार्य करने का काम किया है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। आज सड़कों की बात करें, गाँव हो या शहर हो, विकास में महत्वपूर्ण भूमिका सड़कों की रहती है। मुख्यमंत्री जी गत बजट में 5 करोड़ रुपये प्रत्येक विधायकों को दिए और इस बार भी उन्होंने 10 करोड़ रुपये प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए, नगर निगम में 40 किलोमीटर, नगर परिषद में 25 किलोमीटर और नगर पालिका क्षेत्र में 15 किलोमीटर सड़कों के देने के जो सौगात दिए हैं उसके लिए भी हम मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। इस बार उन्होंने पीछे जो घोषणा की थी कि कृषि का बजट अलग से पेश किया जाएगा, किसानों को राहत देते हुए, क्योंकि हम मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि वो गरीब को गणेश और किसान को भगवान मानते हुए अन्नदाता को भगवान मानते हैं, तो जानते हैं कि हमारा क्षेत्र और हमारा देश कृषि प्रधान देश है। किसानों के हाथ मजबूत करने से ही देश में और राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने कृषि के बजट को अलग से पेश किया। मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना में 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए करने का काम किया। इसके अलावा अन्य हरेक क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने एक सराहनीय कार्य किया। समय का अभाव है, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए सभापति महोदय बताना चाहता हूं। मेरे नोहर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने 30 साल के बाद अपने स्थानीय बेटे को विधायक चुनकर भेजा। इन 3 सालों में बाहरी क्षेत्र से विधायक बनकर आते रहते थे और उन्होंने कभी नोहर विधानसभा के क्षेत्र के बारे में नहीं सोचा। जब अपने जाए जन्मे को और अपने बेटे को राजस्थान की विधानसभा में भेजा और उनके बेटे ने उन सभी क्षेत्र की समस्याओं की आवाज़ को बुलंद करते हुए राजस्थान की विधानसभा में रखा और मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, तो नोहर के क्षेत्र की जनता को पता चल गया कि अपना क्या होता है और पराया क्या होता है। शायद 30 वर्षों में उन्होंने बजट में कभी नोहर का नाम नहीं सुना था, लेकिन मुझे ये गर्व है कि हमारे सदन के ऐसा नेता मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत पे कि लगातार 4 बजटों में नोहर विधानसभा क्षेत्र में अनेकों उन्होंने सौगातें दी जिसके लिए नोहर क्षेत्र की जनता दशकों से इंतजार कर रही थी। और मैं माननीय सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि पिछले 3 बजट की घोषणा ही नहीं, उस पर धरातल पर भी काम हुआ। सारी घोषणाओं को धरातल पे उतारा गया और उसके लिए मैं खुद प्रयत्नशील रहा, चाहे मुझे मंत्री जी के पास जाना पड़े, चाहे वो किसी अधिकारियों के पास जाना पड़े या मुख्यमंत्री जी मिलना पड़े, चाहे मुझे दानदाताओं से प्रेरित करकर उनसे पैसा लाना पड़े, सभी बात उस पर गया। इसके साथ ही मैं एक बड़ी घोषणा जो हमारे क्षेत्र के लिए वंचित है, नोर बादरा के लिए 28 गाँवों को सिंचित करने की मैं मांग करता हूँ। नहर के किनारे होने के बावजूद भी वो आज तक सिंचित नहीं किए गए हैं। इसके लिए राजकीय चिकित्सालय को उपजिला चिकित्सालय में क्रमान्वित करने की बात मैं मांग करता हूं। नोहर में राजकीय चिकित्सालय में हमें ब्लड की आवश्यकता थी, हरियाणा से लाना पड़ता है। ब्लड बैंक की स्थापना की मैं बात करता हूं। नोहर में सावित्री बाई फुले कन्या महाविद्यालय स्तर के छात्रावास की मैं मांग करता हूं। इसके साथ ही पल्लू तहसील में जो अभी क्रमोन्नत की है उसमें हमारे 70 किलोमीटर परिधि में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है, तो मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि राजकीय महाविद्यालय की सौगात देकर क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करें। एक बार आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।